हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वो वीडियो जो आपने देखा फ्राइडे इवनिंग? मजा आया? पार्टी देख रहे हैं, मजा आ रहा है? देख ले कैसे पार्टी चल रही है। तो खैर, यही हो रहा है यूके में। बहुत मस्त अनलॉक खुल चुका है, लोग पीपल आर सो एक्साइटेड एंड यू नो पार्टी शार्टी होगी, पूरी नाइट वाला सीन हो रखे हैं यहाँ पर। एंड अब इसी में एक दो बड़ी खबर, क्या यूके में लॉकडाउन लग सकता है? तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो बाय द वे, जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम है ईशान मलिक और मैं यहाँ पे यूके में स्टूडेंट हूँ। एंड जो भी नए स्टूडेंट्स आने वाले होते हैं या आ चुके हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ थ्रू माय वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन एंड व्हाटएवर, या जो लोग भी मुझे कांटेक्ट करते हैं उनकी मैं बनती हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो आप में से जो भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो भाई लोग, ये लोग जो है भाई और मेरे बहनों, तो ये बस यहाँ का छोटा मोटा मेला है। अब मैं इसको कुंभ नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी मुझे वो सब महत्व नहीं पड़ना। तो खैर, ये यहाँ का मेला है जो सिर्फ, ये तो आपने सिर्फ फ्राइडे ईव की आपने एक वीडियो देखी, और बाय द वे ये यहाँ के न्यूज चैनल में टेलीकास्ट हुई है, ये मैंने शूट नहीं करी है। बट हाँ, मैंने भी कुछ इसी तरह का जो है विटनेस तो किया है, इसी तरह का यू नो भीड़ भड़क का एंड इतने लोग मैंने भी देखे, और जब मैं भी देखा तो मैं भी बहुत शॉक हुआ। मेरा भी सबसे पहले ये था कि कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ है बताओ मुझे। अब मैं कह रहा हूँ, अब जितना नहीं चीखना चिल्ला था मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है एंड वो मेरे बस का नहीं है। तो खैर, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, ना कुछ भी नहीं है। और खैर, ये तो चलो पब्लिक खाने बैठी है तो खाते वक्त तो ऑब्वियसली मास्क नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा भी आपको कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है तो मुझे बताओ भाई, कहीं अगर सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही हो तो। स्पेशली यूके वाले जो लोग भी मुझे यूके से देख रहे हैं इस वक्त, वो लोग तो मुझे प्लीज बताइए कि आप पिछले एक हफ्ते से कहाँ आपने सोशल डिस्टेंसिंग देखी है, कौन सी जगह पे देख ली, अपने घर को छोड़ के। खैर, घरों में तो वैसे ही नहीं होती, तो खैर ठीक है। तो नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क एंड सब यूं कहेंगे मस्त हल्की डोरी हो चुकी है। सो यू नो सब खुल चुका है सारे, और अब तैयारी में है कि एक और लॉकडाउन ये लोग करवा के छोड़ेंगे। यानी यू नो इन लोगों को यू नो थोड़ा भी ये रास नहीं आता कि हम लोग जो एशियन जो बेचारे यू नो इतना पैसा खर्च करके इतना वो यू नो तकलीफों से यहाँ पर आए हैं और बैठे हैं, इनको हमारी थोड़ी सी भी खुशी नहीं देखी जाती। अरे भाई कर लो तुम लोग पार्टी यहाँ, लेकिन थोड़ा रुक जाओ भाई, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में कर लो एटलीस्ट। लेकिन नहीं, इनको नहीं होता इनसे तो। अब खैर, वैसे भी कौन सी पार्टी सोशल डिस्टेंसिंग में होती है, ये भी है यार। मैं भी कैसे इलॉजिकल बातें कर रहा हूँ, है ना। तो खैर, आज का वीडियो ऐसे इलॉजिकल है यार, क्योंकि यार मैं या तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं झलस हो रहा हूँ कि मुझे ये सब करना नहीं मिल रहा है, या मुझे इस बात का ज्यादा डर है कि आगे लॉकडाउन लगेगा। अभी के करे हुए कांड आपको 3-4 महीने में इसका रिजल्ट अच्छे से देंगे। क्योंकि मैं बताऊं आपको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे जाके एक और लॉकडाउन होगा। मुझे जेलेसी हो वो तो चलो अलग बात है, जेलेसी तो क्या ही होगी, आई मीन आई एम हाउ एवर आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। तो एनीवेज, तो मुझे क्यों डर लग रहा है कि एक तो इनका जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है ना, इन्होंने वैक्सीन लगाई है यू नो वैक्सीन ओवर 45 के लोगों को ही इन्होंने वैक्सीन लगाई है। जो गलती इंडिया ने करी, क्या कहेंगे, जो इंस्पिरेशन इंडिया ने ली है, यहां से ली है या यूएस से ली है, जहां से भी ली है, जो गलती हमने करी है वही इन्होंने भी करी है, कोई किसी ने अलग कुछ नहीं करा है। यानी वैक्सीन उन लोगों को लगाई है जो वैसे भी आपको इस पार्टी या इस गैदरिंग में नहीं दिखेंगे, थैंक्स टू देम। यानी इस जो भी आपने क्लिप देखा अभी यहाँ पर, आपको यू नो आपको मोस्टली ऑब्वियसली बात है यंगस्टर ही होते हैं जो फ्राइडे नाइट के लिए या फ्राइडे ईव के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कंपेयर टू द एल्डर्स। उन लोगों ने जिनको जिनको कोविड हुआ है, कभी भी इस कंट्री में हुआ है, कभी भी हुआ है, मैं बहुत मानता हूं कि इन लोगों ने नहीं सोचा होगा कभी भी कि भाई ये लोग कहीं भी बाहर जाकर पार्टी करें या गैदरिंग करें या एनीथिंग। ये लोग मैं बिलीव कर रहा हूं कि इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क एंड हर चीज को फॉलो किया होगा, क्योंकि ये लोग उस तकलीफ से जा चुके हैं, एंड या तो जो उस तकलीफ से अभी तक नहीं गए या जिन्होंने वो तकलीफ को अभी तक देखा ही नहीं है, जो समझे ही नहीं है, वो लोग आ चुके हैं सड़कों पर पार्टी करने एंड ऑल, और या तो फिर उनको पड़ी नहीं है। एंड ये लोग एक और लॉकडाउन लगवाएंगे और फिर जब लगेगा तब यही लोग कंप्लेन करेंगे कि भाई हमने क्या किया, हम तो हमारा एंजॉय करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। अरे भाई कर लो एंजॉय, थोड़ा सलीके से कर लो भाई। अब ठीक है, मैं भी सोचता हूँ कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, आज अभी पहला वीक ही था, लोग ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए होंगे, जैसे हमारे वहाँ कुंभ मेले में हो रहे हैं या इलेक्शन रैलीज में हो रहे हैं, लोग बहुत ही ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं।
लेकिन फिर उसका नतीजा आप इंडिया में भी देख रहे हैं, आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, अपने बांग्लादेश में भी देख रहे हैं कि ये लोग इंडिया को छोड़ के बाकी दो कंट्रीज तो रेड लिस्ट में आ चुकी है, और यहाँ की गवर्नमेंट पे भी प्रेशर तो बहुत है कि इंडिया को रेड लिस्ट में कर दो, क्योंकि जो भी हमारे केसेस बढ़ रहे हैं वो तो अभी हम ऑलमोस्ट ब्राजील को तो क्रॉस कर ही चुके हैं। खैर, और अब यही बात है। और अब मेरे को जो मैंने जिस पर्पज से ये वीडियो बनाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा था कि मुझे यहाँ पे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं मई इनटेक वाले या सितंबर इनटेक जो भी प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैंने मेन तो ये वीडियो बनाया है, मैं उनको स्टूडेंट्स को ही साफ पूछना चाह रहा हूँ। और आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोगों को लगता है कि आप मई में आओगे या इवन सितंबर, अभी जैसा मुझे लग रहा है, क्या आपको यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस कंप्लीटली मिलेगा? आपको आर यू 100% श्योर? अगर मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगस्त या जुलाई या अगस्त में एक लॉकडाउन और लगेगा। जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, ये लोग लॉकडाउन के बगैर तो सुधर नहीं सकते। जो जो प्रॉब्लम हमारे वहां हो रखी है, जैसे अभी इंडिया में बोले तो महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन लग चुका है, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है, ये सब सीन यहां पर नहीं होते। ये लोग ऐसा छोटा छोटा लॉकडाउन नहीं लगाते, ये लोग सीधा बड़ा ही लगाते हैं। अभी भी इन्होंने ये नहीं करा कि फ्राइडे ईव को एटलीस्ट इनको पार्टी करने के शौक फ्राइडे ईव को ज्यादा होते हैं, तो एटलीस्ट ये लोग ये करते कि बाकी दिन खोलते और फ्राइडे ईव को बंद रखते। ऐसे छोटे मोटे जो भी स्टेप्स होते हैं जहां पे गैदरिंग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। खैर, लेकिन अब फ्राइडे ईव को धंधा भी सबसे ज्यादा होता है, तो वो फाइनेंशियली भी करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो खैर, यही सब बातें थी कि भाई इन्होंने जो भी सस्ते नशे फूंक के जो ये अनलॉक किया है, और इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं कि आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के मत खाओ या बार के अंदर नहीं आप बैठ सकते लेकिन बाहर आप जो करो, तो गैदरिंग तो अंदर हो या बाहर हो बात तो एक ही होगी ना। तो अब यही ऐसे सस्ते नशे फूंक के जो इन्होंने अनलॉक किए हैं उसके 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 जो नतीजे हैं इन लोगों को अभी 3-4 महीने में दिख जाएंगे। आई रियली होप कि जो भी मैं ये बकवास कर रहा हूँ ये सब गलत हो जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी ये सब चीजों को सच होते देखा है, जहां पे ये लोग हम लोग तो मैंने तो अक्टूबर में फ्लाई किया था, अक्टूबर में सब कुछ ओपन था पर इतनी भीड़ नहीं लगती थी। मे भी हो सकता है क्योंकि अनलॉक बहुत पहले हो चुका था, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में गैदरिंग हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी फ्राइडे ईव जो होती थी या जो भी ऐसे सैटरडे संडे को भी जो चर्च में गैदरिंग्स होती है, ये सब गैदरिंग्स अपने अपने लेवल पे सब ग्रैंड हो रहे थे। एंड उसके बाद मैंने ये सोचा था कि जनवरी फेब में एक छोटा सा लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि तब थोड़े मैंने कहा क्योंकि हम लोगों ने भी अभी जस्ट फ्लाई ही किया है फ्रॉम द सेंसिटिव कंट्रीज इंडिया चाइना एंड ऑल, तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स का एक जो फ्लो आएगा उसमें से कोविड वाले भी आएंगे एंड कोविड यहाँ पे फैलेगा और एक लॉकडाउन 30-40 दिन का जैन फेब में लगेगा। वो जैन में ना लग के सीधा नवंबर से शुरू हुआ और जो अभी अप्रैल में खत्म हो रहा है, बीच में 15-20 दिन के लिए खुला था सिर्फ क्रिसमस के लिए। खैर, क्रिसमस से तो पहले ही बंद हो चुका था, क्रिसमस भी लोगों ने घर में ही मनाई है मोस्टली लोगों ने, तो अभी भी मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग मई में आओगे। अभी तो आपको सारे एजेंट्स वगैरह सब बोल रहे हैं कि हाँ आप चले जाओ, यूके ने डिक्लेयर कर दिया है कि यूनिवर्सिटी यानी कैंपस में ही पढ़ाई होगी ये वो। सबसे पहले तो आप अपने एजेंट को बोलो कि क्या आप राइटिंग में दे रहे हो, क्या वो यूनिवर्सिटी आपको राइटिंग में दे रही है कि हर सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन में आपको पूरा 1 साल 2 साल आपको पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आके पढ़ना रहेगा, किसी भी केस में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ब्लेंडेड होगा या ऑनलाइन हो जाएगा। ऐसा अगर आपको राइटिंग में दे रहे हैं तब तो मैं आपको कहूंगा आ ही जाओ, कोई आप सोचो मत यहाँ कोविड फैले या कुछ भी फैले, आप आ जाओ अगर ऐसा तो आपको राइटिंग में दिया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना स्मार्ट डिसीजन लो, मैं अब यहाँ पे इस पर नहीं बोलने वाला हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि ये आपने यहाँ पे देखा, मेरी इतनी देर तक आपने बकवास सुनी है, मेरी फ्रस्ट्रेशन सुनी, और आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है? मुझे लगता है जुलाई अगस्त में एक और लॉकडाउन लगेगा, कितने दिन का लगेगा मैं नहीं जानता, मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बात गलत हो जाए, गलत हो गई तो इसी टॉपिक पे एक वीडियो बन जाएगा, वरना इस टॉपिक पे अब क्या ही मैं वीडियो बनाऊं, ये यहीं का चलता रह रहा है, खुलता है पब्लिक बाहर निकलती है बहुत ही झुंड में बाहर निकल रही है, फिर लॉकडाउन लगता है तो झुंड में अंदर बैठ के पार्टियां करती है, कोविड अंदर बैठे हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहता है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जो फ्लॉ है वो मैंने आपको दिखा दिया कि भाई जो यंगस्टर्स है वो अभी तक एलिजिबल ही नहीं है। आई होप कि अगले 2 महीने में एलिजिबल हो जाए और ये सिचुएशंस कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि इनका यही है कि हॉस्पिटल्स या जो मेडिकल सुविधाएं हैं इस पे लोड ना आ जाए, क्योंकि अगर वहां पे केसेस बढ़ जाते हैं तो बेड्स की कमी तो यहाँ पर भी है एंड सो मेनी थिंग्स, वही जो आप इंडिया पाकिस्तान में जो देख रहे हैं वही सब चीजें यहाँ भी है। तो नाउ आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं, एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।